हेलो दोस्तों, विकास अकेडमी गुना एमपी में आपका स्वागत है। मैं विकास रघुवंशी, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 7 सितंबर 2020 के करंट के क्वेश्चन। इससे पहले हम आपके लिए लेके आए थे 30 सितंबर 2020 के करंट के क्वेश्चन, 3 के बाद 4, 5, 6 ये इसलिए लेके नहीं आए क्योंकि उस दिन की करंट हमने नहीं लिख पाई थी, उस दिन की करंट हमने नहीं डाली है। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चनों की हम शुरुआत करते हैं। वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर संयुक्त रूप से क्या किया है, यानी वी आई किया है। ठीक है, क्या किया है? वी आई यानी लोगो दिया है। ठीक है, तो अब वोडाफोन आइडिया लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसे पंजाब और सिंध बैंक का नया MD व CEO नियुक्त किया गया है? एस कृष्णन को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, मारुति सुजुकी के MD व CEO जिन्हें सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स SIAM का नया अध्यक्ष नियुक्त या चुना गया है? केनिची आकुकावा को चुना गया, यानी आकुकावा को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम, किसी इटली में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किया गया है। नेक्स्ट है, कैसे भारत के मुख्य सांख्यिकी वित्त के रूप में नियुक्त किया गया है? छत्रपति शिवाजी को किया गया है। नेक्स्ट है, कैसे साउथ इंडियन बैंक का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है? मुरली रामकृष्णन को किया गया। ये MD और CEO दोनों के रूप में कार्य करेंगे। साउथ इंडियन बैंक का शॉर्ट फॉर्म SIBV होता है। क्या होता है? SIBV यानी कि साउथ इंडियन बैंक। ठीक है, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, संविधान के रक्षक कहलाने वाले केरल के एडनीर मठ के प्रमुख जिनका हाल ही में निधन हो गया है, केशवानंद भारती है। ठीक है, इनको संविधान के रक्षक के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तुम्हारी 7 सितंबर 2020 के करंट के क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए हम आपके लिए एक और पढ़ देते हैं। वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर संयुक्त रूप से क्या किया है? VI किया है। नेक्स्ट है, किसे पंजाब और सिंध बैंक का नया MD व CEO नियुक्त किया गया है? एस कृष्णन को किया गया है। तो MD व CEO दोनों के रूप में कार्य करेंगे, एस कृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट है, मारुति सुजुकी के MD व CEO जिन्हें सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स SIAM का नया अध्यक्ष चुना गया है, केनिची आकुकावा। ठीक है, आपको ये SIAM याद रखना होगा, ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, फुल फॉर्म उसका होता है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। नेक्स्ट है, किसे इटली में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किया गया है। नेक्स्ट है, किसे भारत के मुख्य सांख्यिकी वित्त के रूप में नियुक्त किया गया है? छत्रपति शिवाजी को किया गया है। नेक्स्ट है, किसे साउथ इंडियन बैंक का नया MD व CEO नियुक्त किया गया है? मुरली रामकृष्णन को किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के रक्षक कहलाने वाले केरल के इडनीर मठ के प्रमुख जिनका हाल ही में निधन हो गया है, केशवानंद भारती है। ठीक है, तुम्हारी 7 सितंबर 2020 के करंट के क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर देखते हैं। पिछले पृष्ठ का उत्तर सी 29 अगस्त है। ठीक है, आज की वीडियो का क्वेश्चन है, लंदन में मेमोरियल पट्टिका पाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन है? ए SI पद्मावती, बी नूर इनायत खान, सी कादम्बिनी गांगुली, डी फातिमा बीवी। ठीक है, तुम्हारी 7 सितंबर 2020 के करंट के क्वेश्चन पूछे हो चुके हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसके इंग्लिश वर्जन पे चलते हैं। वोडाफोन आइडिया रिब्रांड इट्सेल्फ एज VI, ये लोगो भी है, उनका नाम भी है। ठीक है, नेक्स्ट है, हु बिकम न्यू MD एंड CEO ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक? एस कृष्णन है। ठीक है, नेक्स्ट है, हु हैज बीन
सिलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स SIAM केनिची आयुकावा हैं। ठीक है, जो MD व CEO दोनों के रूप में कार्य करेंगे। आपको SIAM याद रखना है क्योंकि इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, फुल फॉर्म होता है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। क्या है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियन एम्बेसडर टू इटली। डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किया गया है, जो कि भारत की इटली में राजदूत के रूप में, ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कार्य करेंगी। नेक्स्ट है, हु हैज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स छत्रपति शिवाजी है। ठीक है, हु हैज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स छत्रपति शिवाजी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हु बिकम न्यू MD एंड CEO ऑफ साउथ इंडियन बैंक मुरली रामकृष्णन है। नेक्स्ट है, स्वामी जी ऑफ एडीन मठ ऑफ केला हु पासी सभी केशवानंद भारती हैं। ठीक है, तो हमारे 7 सितंबर 2020 के कैंड के क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए हम आपके लिए एक बार पढ़ देते हैं। वोडाफोन आइडिया रिब्रांड्स इट्स इफ एज VI। नेक्स्ट है, हु बिकम न्यू MD एंड CEO ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक एस कृष्णन। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स SIAM केनिची आयुकावा हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियन एम्बेसडर टू इटली डॉक्टर नीना मल्होत्रा हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी इन मिनिस्टर ऑफ स्टेटिक्स छत्रपति शिवाजी हैं। नेक्स्ट है, हु बिकम न्यू MD एंड CEO ऑफ साउथ इंडियन बैंक मुरली रामकृष्णन हैं। नेक्स्ट है, स्वामी जी ऑफ इन्नीर मठ ऑफ केरला हु पासी सभी केशवानंद भारती। ठीक है, तो हमारी 7 सितंबर 2020 के कैंड के क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर देखते हैं। आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन सी 29 अगस्त, यानी कि 30 अगस्त है। आज की वीडियो का क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वूमन टू गेट मेमोरियल पादुका इन लंदन पेल्क्यू। ए एहसाई पद्मावती, बी नूर इनायत खान, सी कादामनी गांगुली, डी फातिमा बीवी। ठीक है, हमारी 7 सितंबर 2020 के कहने के क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर पूछ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9174213849 हिंदी में 9174213849 पर हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, इससे उन्हें भी करने के क्वेश्चन मिल सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।